कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही मैं जानता हूं कि तू गैर है मगर यूं ही मैं जानता हूं कि तू गैर है मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल आज की ये कड़ी समर्पित है उस प्रेम कहानी को जो जमाने से अलहदा था और इश्क की पहले से खींची गई लकीरों से बिल्कुल जुदा था। अधूरी मोहब्बत का ये वो मुकम्मल अफसाना था जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इस कहानी के पात्र हैं साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। इस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई सन 1939 में, जब साहिर और अमृता एक ही कॉलेज के विद्यार्थी थे। साहिर ने शेरो शायरी लिखना शुरू कर दिया था और कॉलेज में विख्यात हो गए थे। अमृता उनके शेरों की दीवानी थी और शायद प्रेम भी करने लगी थी, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अमृता के घर वालों को यह रिश्ता बहुत ही नागवार लगा, क्योंकि एक तो साहिर की माली हालत अच्छी नहीं थी, दूसरी साहिर मुस्लिम थे, और तीसरा कारण यह कि अमृता की शादी प्रीतम सिंह से हो चुकी थी। बाद में अमृता के पिता के कहने पर साहिर को कॉलेज से निकाल दिया गया। ऐसा लगा कि बात यहीं खत्म हो गई, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 5 साल बाद साहिर और अमृता लाहौर में फिर मिले और दो के मुलाकात की वजह बनी शायरी। वही शायरी जिसके लिए उर्दू साहित्य में साहिर और पंजाबी साहित्य में अमृता का अपना अहम मकाम है। खुद अमृता के शब्दों में, पता नहीं ये उसके लफ्जों का जादू था या उसकी खामोश निगाहों का, लेकिन मैं उससे बंद कर रह गई थी। भारत विभाजन के बाद अमृता दिल्ली आ गईं और साहिर मुंबई में बस गए। ऐसा महसूस हुआ जैसे आधी नज्म एक कोने में सिमट गई और आधी नज्म एक कोने में बैठ गई। दोनों का मिलना जुलना लगभग बंद हो गया, लेकिन मोहब्बत का एहसास कभी कम नहीं हुआ। अमृता की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे। प्रीतम सिंह के साथ हुई उनकी शादी कुछ ही सालों में टूट गई और वो अपने दोस्त इमरोज के साथ रहने लगी। इमरोज चित्रकार थे और अमृता से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन अमृता के दिलो दिमाग पर साहिर का राज था, जिसका इजहार अमृता ने अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में बेझिझक किया है। वो चुपचाप मेरे कमरे में सिगरेट पिया करता,
आधी पीने के बाद सिगरेट बुझा देता और नई सिगरेट सुलगा लेता। जब वो जाता तो कमरे में सिगरेटों की महक बची रहती। मैं उन सिगरेट के बटों को संभाल कर रखती और अकेले में उन बटों को दोबारा सुलगाती। जब मैं उन्हें अपनी उंगलियों में पकड़ती तो मुझे लगता कि साहिर के हाथों को छू रही हूँ। साहिर ने भले ही अमृता से अपना इश्क दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया, लेकिन अमृता के लिए वे दीवानेपन की हद तक दीवाने थे। उनकी दीवानगी उनके गीतों, गजलों और नज्मों में साफ साफ महसूस की जा सकती है। जिस तरह अमृता सिगरेट के बटों को जमा करती थी, उसी तरह साहिर भी अमृता की पी हुई चाय की प्याली संभाल कर रखते थे। कहा तो यह भी जाता है कि साहिर ने बरसों तक वह प्याला नहीं धोया जिसमें अमृता ने चाय पी थी। साहिर ने कभी लिखा था, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर तोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। कमोबेश उनकी और अमृता की कहानी भी इन्हीं दो पंक्तियों में सिमट कर रह गई। मोहब्बत की इस अधूरी दास्तान के गवाह बने चाय के जूठे प्याले, आधी जली सिगरेट के टुकड़े, कुछ किस्से, कुछ यादें और ढेर सारे खतूत। आज साहिर और अमृता दोनों इस संसार में नहीं रहे, लेकिन मोहब्बत के अफसाने खत्म कहाँ होते हैं। जो मरकर भी जिंदा रह जाए वही मोहब्बत है, वही मोहब्बत है।